हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन के ऐप्स को हाइड कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स देखे होंगे जिन्हें आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और आपको किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, ये फेसबुक सर्च कर लेते और फेसबुक यहाँ पर आ गया। उसके बाद इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड पे दिख रहा है इंस्टाग्राम, ओके। तो इंस्टाग्राम भी आपको दिखाई देगा। तो हमको पहले करना है क्या है, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पे लिखा है ऐप लॉक, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने अपने फ़ोन में पहले से जो पासवर्ड डाल के रखा है वो यहाँ सिंपल सा आपको पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ये उन एप्लीकेशन का लिस्ट है जो आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, ओके। तो यहाँ पे हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को हाइड करना है। तो यहाँ सिंपल सा हमको फेसबुक सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका यहाँ पर ऐप लॉक ऑन है तो सही है, अगर आपका एप्लीकेशन लॉक ऑफ है तो उसको पहले ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखाई देगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, तो उसको भी आपको ऑन कर लेना है, ओके। जैसे ही आप ऑन पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेट एक्सेस कोड का आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये हमारा वो कोड रहेगा जिसके ज़रिए हम हिडन फाइल्स को देख सकेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हेड्स, उसके बाद आपको जो भी डिजिट डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा हैश लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा कोड सेट हो गया है, उसके बाद डन। यह हमारा फेसबुक हाइड हो चुका है। उसके बाद हमको करना क्या है, इंस्टाग्राम हाइड करना है। तो इंस्टाग्राम पे जाने का है, तो यहाँ पे हमारा ऐप लॉक ऑफ है तो उसको पहले ऑन कर लेना है, ओके। उसको ऑन करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, तो इसको भी ऑन कर लेना है। जैसे ही हमने ऑन कर लिया है तो हमने एक्सिस कोड तो पहले फेसबुक के टाइम में डाल लिया था, तो बार बार यह एक्सिस कोड का हमको पूछेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पे हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। तो चलिए हम हमारे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक। यहाँ पे फेसबुक भी नहीं आ रहा है, ओके। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो यह फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हिडन ऐप्स को देखना है, फाइंड करना है, तो आपको अपने डायलर पैड में जाना है, ओके। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डायलर पैड पे। यहाँ पे हमने जो एक्सिस कोड सिलेक्ट किया था वो सिंपल सा यहाँ पे डाल लेना है। तो हमारा एक्सिस कोड था हेड्स, फिर 1 2 3 4 5, फिर हेड्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एक्सिस कोड डाला तो यहाँ पे हम देखो ऊपर टॉप पे दिखाई भी दे रहा है हिडन ऐप्स। तो हमने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हाइड किया था वो सिंपल सा हमको यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। और अगर आपको यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जैसे हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हाइड किया है, वैसे ही
आप अपने कई सारे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।